हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप मेरी वेबसाइट www.mpbcorruption.in पर अपने बिल को पोस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर बिल को पोस्ट करने का उद्देश्य यही है कि आपको जो भी एमपीबी के गड़बड़ी वाले बिल या ऐसे बिल जो एमपीबी के कर्मचारी या मीटर रीडर्स की वजह से जो गलत बिल बनते हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ता को परेशान होना पड़ता है और वो लोग उन्हें सही वे नहीं पता, मतलब सही तरीका नहीं पता होता है कंप्लेंट करने का, तो उसे बाकी लोगों को जागरूक करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए आप अपनी मर्जी से उस बिल को पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर बिल को शेयर करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो बिल है, उसको हमारी टीम एनालाइज करेगी कि इस बिल के अंदर एमपीबी की या उसके किस कर्मचारी की क्या गलती है, और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इसकी कंप्लेंट करनी है या कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, वो उस पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। इस वेबसाइट पर बिल को पोस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आता हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से आपको इस पर बिल को पोस्ट करना है। mpbcorruption.in पर अपने बिल को पोस्ट करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको वहाँ पर लिखना है mpbcorruption.in। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट लोड होने के बाद राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर मेन्यू बार में आपको सबमिट बिल का बटन दिखेगा। उस बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म वहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर राम पाटीदार लिख रहा हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आपको फिर मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना बिल का IVRS नंबर यहाँ पर लिखना है। IVRS नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर दो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओवर बिलिंग, एमपीबी करप्शन रिलेटेड, अन्य। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओवर बिलिंग की होती हैं, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ओवर बिलिंग ही सिलेक्ट रहता है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओवर बिलिंग ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर एक सब्जेक्ट का और ऑप्शन है कि आपको उसमें शॉर्ट में आप डिटेल दे सकते हैं कि जैसे हमारे घर पर 33,000 का बिल आया। उसके बाद देन आपको यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक मिलेगा, जिसके अंदर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं डिटेल में। अगर आपकी केस रिलेटेड कोई बड़ी समस्या है या जिसके बारे में आप हमें डिटेल में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ बहुत बड़ा मैसेज ब्लॉक मिल रहा है। इसे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, जिस पर लिखा हुआ है ब्राउज नो फाइल सिलेक्टेड। यहाँ पर आप ब्राउज बटन पर क्लिक करके अपने बिल को किसी भी फॉर्म में इसमें अपलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्म हो, JPEG फॉर्म हो, GIF फॉर्म में हो, या माइक्रोसॉफ्ट के आप किसी भी एक्सटेंशन में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे PDF में अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप फाइल सिलेक्ट करते हैं, इमेज सिलेक्ट कर, बिल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मिलता है आई एम नॉट अ रोबोट। इसके ऊपर जैसे क्लिक करना है। उसके बाद जब यहाँ पर जैसे ही राइट लग जाएगा, उसके बाद आप सेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद ही आपको मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड, आपका बिल पोस्ट हो चुका है। बिल यहाँ पर पोस्ट करने के बाद हमारी टीम आपके बिल को एनालाइज करेगी कि उसमें MPBC से क्या प्रॉब्लम हुई है या मीटर रीडर से जो भी प्रॉब्लम है, इसके बारे में उसे एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और इसे साइट पर पब्लिकली पोस्ट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।